Stop. Okay? मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ये देखिए मेरे साथ में खड़े मुमरा पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर संतोष उगल मोगले। हियर इज इनकी पूरी टीम है, मयूर लोखंडे जी है, अर्जुन जुवाडकर, प्रमोद जमदाड़े। ये 2 किलो गांजा जो ऊपर मैंने खबर बताई थी ना, जिस गाले से बरामद हुआ था, ये वही टीम है जिन्होंने ये गांजा बरामद किया था। अब ये लोग यहाँ आए हैं, मैं मेरी पत्नी की दवा लेने के लिए डॉक्टर सिराज के यहाँ खड़ा था। पत्नी अंदर डॉक्टर से बात कर रही थी, उगल मुगले साहब ने मुझे आवाज़ दी, बुलाया और कहा कि एक जिम्मेदारी मुझे दी गई है, वो जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी है। तो वो जिम्मेदारी जो है वो इस प्रकार की है कि ये मुझे तड़ी पारी का नोटिस दे रहे हैं, क्योंकि मुमरा में मुझ जैसे व्यक्ति से अशांति फैल रही है, मुमरा में रफीक कामदार की वजह से माहौल ख़राब हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लगातार हम जो अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं तमाम लोगों तक, वो आप देख करके समझ सकते हैं कि पुलिस की ये कार्रवाई किस तरह की कार्रवाई है। प्रतिशोध की कार्रवाई, ये तड़ी पारी की नोटिस है इन्होंने दी है मुझे अभी, ये आप तमाम सभी लोगों के सामने मैं ले रहा हूँ। किस तरह का शहर चाहते हैं आप लोग, अपराधियों से मुक्त शहर चाहते हैं, अपराध मुक्त शहर चाहते हैं, भ्रष्ट पुलिस मुक्त शहर चाहते हैं, किस तरीके का शहर चाहते हैं आप लोग? अब ये आप लोगों के ऊपर है कि मुमरा कौसा के लोग अगर इसके ऊपर अभी भी चुप रहेंगे तो हम जैसे पत्रकार हफ्ता वसूलने वाले गुंडों के खिलाफ, नशा बेचने वाले लोगों के खिलाफ और उनको पनाह देने वाली पुलिस के खिलाफ कभी भी न तो अपनी कलम चलाएंगे, न तो कभी भी फिर हम आवाज़ उठाएंगे। अगर ये होने के बाद भी आप नहीं चेतते हैं, आप नहीं जागते हैं, तो इसके अलावा हमारे पास दूसरा चारा नहीं है। ये अब शुरू है रिकॉर्डिंग के ही सामने में, देखिए इन्हीं ने कलम दिया है, रिसीव्ड कॉपी जो है मैं उगल मुगले साहब को दे रहा हूँ। आप भी जारी रखिए अपना वीडियो, इतना डर के मत बनाइए, इत्मीनान से बनाइए आप, इत्मीनान से बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। टाइम क्या हुआ है, तारीख क्या है? 3 तारीख 12:27 टाइम। ये रिसीव्ड कॉपी दे रहा हूँ मैं उगल मुगले साहब को, देखिए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ जी की तरफ से तोहफा ही है, जो उगल मुगले साहब एक संदेश वाहक की तरह हमारे पास लेकर आए हैं। इनकी कोई इसमें गलती नहीं है, इसलिए इन्हें बुरा भला मत कहिएगा।